दोस्तों आज दिखाने वाले हैं हम टॉयलेट बाथरूम के डोर, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी कॉस्ट क्या आती है और इसकी लाइफ क्या होती है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 1960 का सेक्शन, यानी कि 19 mm x 60 mm का ये सेक्शन होता है और इसके हम टॉयलेट बाथरूम के डोर बनाते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इसके डोर आप टॉयलेट बाथरूम के लिए बनाना चाहते हैं तो काफ़ी बेटर होते हैं और लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। तो दोस्तों ये हमारा कटिंग प्रोसेस है, अभी इसको थोड़ा सा हम आगे दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी कटिंग प्रोसेस हमने दिखाया और जोड़ने का जो तरीका है वो पहले कई वीडियो में दिखा चुके हैं किस तरीके से इस सेक्शन को जोड़ा जाता है। दोस्तों इस सेक्शन का हम जो अपनी 3 tracks विंडो होती हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इनका डोर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, ये हमारा 1960 का सिंगल टांग है जिसको ओपनेबल, जहां से ओपनेबल पल्ला होता है वहीं पर इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं डोर बन चुका है। अब डोर में हम सीट डालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोलना होगा। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें सीट डाल देते हैं और सीट के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो कब्जे का प्रोसेस होता है एंड रबड़ का प्रोसेस होता है। सीट डालने के बाद सबसे जो पहला प्रोसेस है वो क्या होता है कि रबड़ डालने का होता है, जो कि हम पुश रबड़ जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें हम 4 mm की रबड़ भी डाल सकते हैं जो कि हम पूरी दोनों तरफ नज़र आती है। बाकी पुश रबड़ जो होती है उसको हम एक तरफ भी डाल सकते हैं, दोनों तरफ भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें रबड़ लगाई जाती है। तो दोस्तों सीट के बारे में बता देना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो सीट हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये ACP सीट है और ये 3.5 mm से 4 mm की सीट होती है। दोस्तों इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, टॉयलेट बाथरूम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके की पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्पेशली उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस डोर को हम स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ इसकी लगभग 10 से 12 साल आराम से चल जाता है, कोई भी किसी भी तरीके की इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। और इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो लगभग 3700 से 3800 रुपये में बहुत अच्छा डोर आपका बन जाता है जो कि 10 से 12 साल आराम से टिकता है। दोस्तों आप भी जानते हैं अगर वुडन डोर होगा तो उसमें क्या होता है, गीला होने के बाद उसमें दीमक लग जाती है, ख़राब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें आती है। तो आप दोस्तों कम पैसे में और कम खर्चे में इस डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सीट लग चुकी है, अब सीट लगाने के बाद हम इसको वापस से कस देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम इसमें रबड़ लगा रहे हैं ताकि हमारी सीट फिक्स हो जाए और किसी भी तरीके का झोल नज़र ना आए। यानी कि क्या होता है कि जब रबड़ नहीं लगाएंगे तो सीट हलती रहेगी, तो उसके लिए क्या होता है कि हम रबड़ लगाते हैं और रबड़ से क्या होता है पानी हमारा अंदर की तरफ नहीं जाता। तो दोस्तों दिखा देते हैं थोड़ा सा इधर से भी हम आपको किस तरीके से रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों तरफ हम इस रबड़ को लगा रहे हैं, यानी कि एक साइड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, एक साइड के लिए अगर हम इस्तेमाल करते तो ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी मोटी रबड़ हो जाती तो वो एक तरफ से बहुत आसानी से लग जाती। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एच बॉटम है जो कि कब्जे की तरफ रहता है। मैं थोड़ा सा इधर से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों इस इधर हमारे स्क्रू लगे हुए हैं। तो इसको जोड़ने का जो तरीका होता है बिल्कुल सेम बॉम्बे स्लाइडिंग की जो विंडोज़ होती हैं, बॉम्बे स्लाइडिंग के जो सेक्शन होते हैं उसको बिल्कुल सेम इस तरीके से ही जोड़ा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे कब्जे लगाए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि गैप ज़्यादा होता है जहाँ पर हम कब्जे लगाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें छोटा सा लकड़ी का एक जो टुकड़ा नीचे लगाना होता है, कब्जे के नीचे लगाना होता है ताकि हमारा कब्जा सही तरीके से बैठ सके। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो कॉलर होता है, दोस्तों देख सकते हैं इसका कॉलर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि कब्जा अब बड़ी कॉलर पर नहीं लग पाता, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल करके यानी कि लकड़ी की गिट्टी लगाकर हमें इसको लगाना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं डोर हमारे रेडी हो चुके हैं और मैं थोड़ा सा इधर से दिखा देना चाहता हूँ। अब देख सकते हैं मिडल हमारा मिडल सेक्शन है जो कि बॉम्बे स्लाइडिंग का 38 mm x 19 mm का सेक्शन होता है। दोस्तों नीचे एच बॉटम का इस्तेमाल किया है जिसको हम 1960 का एच बॉटम बोलते हैं। इधर क्या होता है कि ये देख सकते हैं कब्जे वाली साइड है, अभी मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जो है हमारी कब्जे वाली साइड है और ओपनेबल जो साइड होती है उसमें हम क्या करते हैं सिंगल टांग का इस्तेमाल कर देते हैं। क्योंकि क्या है कि दोस्तों अब बॉम्बे स्लाइडिंग में भी सिंगल टांग जैसे 38 mm x 19 mm का सेक्शन आता है, वैसे ही इसमें भी 1960 का सेक्शन आता है। तो दोस्तों वो स्पेशली डोर्स वगैरह के लिए, केसमेंट वगैरह के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल टांग, तो इसको डोर और केसमेंट विंडोज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये चौखट है इसकी, चौखट ये देख सकते हैं हमने दो
चार दरवाजे तैयार किए हैं और चारों ही दरवाजे टॉयलेट और बाथरूम के हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं डोर हमने दिखाया आपको। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।